चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ सनराइजर दूसरी बार टारगेट देकर जीता। सीजन में चेन्नई की लगातार तीसरी हार। प्रियम गर्ग बने जीत के हीरो। आईपीएल के 13वें सीजन में 14वें मैच में सनराइजर हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग को 7 रन से हरा दिया। हैदराबाद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 165 रन का टारगेट दिया। जवाब में चेन्नई 5 विकेट पर 157 रन ही बना सकी। हैदराबाद आईपीएल में दूसरी बार चेन्नई को टारगेट देकर मैच जीती है। इससे पहले 2015 में हैदराबाद ने मुंबई को टारगेट देकर 22 रन से हराया था। चेन्नई की सीजन में यह लगातार तीसरी हार है। जीत के हीरो युवा बल्लेबाज हीरो प्रियम गर्ग रहे, जिन्होंने 51 रन की पारी खेली। सैन वॉटसन और अवंती रायडू मैच में कुछ खास नहीं कर सके। वॉटसन की खराब फॉर्म से इस मैच में जारी रही, वे सिर्फ 1 रन ही बना सके। वॉटसन को भुवनेश्वर कुमार ने आउट किया। इसके बाद रायडू को टी नटराज ने पवेलियन का रास्ता दिखाया। चेन्नई की शुरुआती 10 ओवर में सीजन का सबसे कम स्कोर बनाया। चेन्नई ने 10 ओवर में 4 विकेट पर 44 रन बनाए। इससे पहले भी चेन्नई ने इसी मैदान पर दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 10 ओवर में 3 विकेट पर 47 रन बनाए थे। वहीं दिल्ली ने दुबई में ही किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ 3 विकेट पर 49 रन बनाए थे। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद ने 5 विकेट पर 164 रन बनाए। हैदराबाद के लिए प्रियम गर्ग और अभिषेक शर्मा ने 5वें विकेट के लिए 71 रन की पार्टनरशिप की। दोनों ने इसके लिए 43 बॉल खेली। प्रियम गर्ग ने आईपीएल में अपने चौथे ही मैच में पहली 50 लगाई, जिन्होंने 26 बॉल पर नाबाद 51 रन बनाए। वहीं अभिषेक ने 24 बॉल पर 31 रन बनाए। हैदराबाद ने चेन्नई को 165 रन का टारगेट दिया। प्रियम गर्ग की आईपीएल में पहली 50। धोनी के नाम सबसे ज्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड दर्ज। आईपीएल के 13वें सीजन का 14वां मैच चेन्नई सुपर किंग और सनराइजर हैदराबाद के बीच दुबई में खेला जा रहा था। हैदराबाद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई को 165 रन का टारगेट दिया। सबसे ज्यादा रन प्रियम गर्ग और अभिषेक शर्मा ने बनाए। प्रियम की आईपीएल में यह पहली 50 लगाई। वहीं चेन्नई के कप्तान एमएस धोनी आईपीएल में सबसे ज्यादा 194 मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए। इससे पहले यह रिकॉर्ड सुरेश रैना के नाम था, जिन्होंने 193 खेले थे। चेन्नई के दीपक चाहर ने 2 विकेट लिए। वहीं शार्दुल ठाकुर और पीयूष चावला को 1-1 विकेट मिला। हैदराबाद ने 5 विकेट पर 164 रन बनाए। हैदराबाद के लिए प्रियम गर्ग और अभिषेक शर्मा 5वें विकेट के लिए 77 रन की पार्टनरशिप की। दोनों ने इसके लिए 43 बॉल खेली। प्रियम ने 26 बॉल पर नाबाद 51 रन बनाए। वहीं अभिषेक ने 24 बॉल पर 31 रन बनाए। हैदराबाद के बल्लेबाज इस मैच में कुछ खास नहीं कर सके। जॉनी बेयरस्टो को मैच के पहले ही ओवर में दीपक चाहर ने आउट कर दिया। इसके बाद मनीष पांडे और डेविड वॉर्नर अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में नहीं बदल सके। मनीष को शार्दुल ठाकुर और वॉर्नर की पीयूष चावला ने आउट किया। केन विलियमसन 9 रन ही बना सके। उन्हें रायडू और एमएस धोनी ने रन आउट कर दिया। सीएसके में कप्तान धोनी सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। टीम उन्हें एक सीजन में 15 करोड़ रुपए देगी। इसके बाद टीम में केदार जाधव का नाम है, जिन्हें इस सीजन में 7.80 करोड़ रुपए मिलेंगे। वहीं हैदराबाद के सबसे महंगे खिलाड़ी डेविड वॉर्नर हैं। उन्हें फ्रेंचाइजी सीजन का 12.50 करोड़ रुपए देगी। इसके बाद टीम के दूसरे महंगे खिलाड़ी मनीष पांडे हैं, जिन्हें 11 करोड़ रुपए मिलेंगे। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होने वाले मुकाबले में गेंदबाजों की भूमिका अहम होगी। इस सीजन में अब तक 6 मैच खेले गए हैं। सभी मैचों में यहाँ कोई भी टीम चेंज नहीं कर पाई। दिल्ली पंजाब और बेंगलोर मुंबई मैच का फैसला सुपर ओवर में गया था, लेकिन दोनों मैचों में यह पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को ही जीत मिली थी। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई ने लगातार 2 बार 2010 और 2011 में खिताब जीता था। पिछली बार यह टीम 2018 में चैंपियन बनी थी। वहीं चेन्नई 5 बार आईपीएल की रनअप भी रही है। दूसरी ओर हैदराबाद ने 2 बार खिताब अपने नाम किया है। चेन्नई ने लीग में अब तक 168 मैच खेले हैं, जिसमें 101 जीते और 66 हारे हैं। एक मुकाबला बेनतीजा रहा है। वहीं सनराइजर ने अब तक 111 में से 59 मैच जीते हैं और 52 हारे हैं। इस तरह लीग में सुपर किंग की जीत का सक्सेस रेट 60% और हैदराबाद का 53 रहा है। आईपीएल में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।